For decades and decades long, there is one thing that humanity has been running from, aging. But stress और anxiety के इस माहौल में aging एक ऐसी चीज़ है जो हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसी टेक्निक जो आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जाएगी। ये एक मिराक्युलस योगिक प्रैक्टिस है जो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, पुअर जॉइंट हेल्थ और पुअर फर्टिलिटी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, मैं हूं आपकी अपनी योगिनी जूही कपूर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं विपरीत करनी। जी हाँ, विपरीत करनी एक ऐसी टेक्निक है जो आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हठ योगा प्रदीपिका और घेरंड संहिता के श्लोक में क्लियरली मैंशनड है कि जो भी रेगुलरली विपरीत करनी का प्रैक्टिस करेंगे उन्हें ओल्ड एज को फाइट करने की वो कैपेबिलिटी मिलेगी जो उनकी बॉडी को चाहिए। ये टेक्निक आपके स्किन, आपके हेयर और आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए एक बहुत बहुत बेनिफिशियल प्रैक्टिस है और मैं तो ये कहूँगी कि हर किसी को हर दिन विपरीत करनी डेफिनेटली करनी चाहिए। इस वीडियो में हम तीन तरह से विपरीत करनी सीखेंगे। सबसे पहला टेक्निक है लेग अप द वॉल, यानी वॉल के सहारे से विपरीत करनी। तो इसे करने के लिए मैट को वॉल के बिल्कुल नज़दीक ले जाइएगा और आप वॉल के सहारे अपने हिप को वॉल से टच करा के लेटते हुए लेग्स को वॉल के अगेंस्ट इस तरह से रख दीजिए। अपने आर्म्स को बॉडी के नज़दीक रखेंगे, पाम्स को सीलिंग की तरफ फेस करते हुए प्लेस कर देंगे। बस उसके बाद आंखें बंद करके रिलैक्स करते रहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन करें, ध्यान स्थिर रखें, मन शांत रखें और इस पोजीशन में तकरीबन 5 से लेकर 10 मिनट तक आप रिलैक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पॉस्चर वॉल के अगेंस्ट ही करना है, अगर आप चाहें तो यही पॉस्चर आप बेड के सहारे से भी कर सकते हैं। रिलीज करते हुए साइड में टर्न हो जाएं, पाम का सहारा लें और इस तरह से रिलीज कर लें। अब अगर आपको लगता है कि बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या आपको वॉल और ये फ्लोर का जो हार्ड सर्फेस है ये डिस्कम्फर्ट पहुँचा रहा है, तो आप इस तरह से एक ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्लैंकेट आप बिल्कुल पहले से ही बिछा लीजिए और इस ब्लैंकेट के ऊपर आप अपनी लोअर बैक को प्लेस करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ब्लैंकेट रख ली है, ब्लैंकेट को मैंने 2 फोल्ड्स किए हैं और अब मैं ब्लैंकेट के नज़दीक से बिल्कुल अपनी लोअर बैक को ब्लैंकेट पर प्लेस करते हुए लेग्स को वॉल के साथ अलाइन कर दूंगी और अपने बॉडी को विपरीत करनी में ले आऊँगी। अगेन रिलीज करते हुए आप एक तरफ टर्न होकर पाम का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब ये जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई लेग अप द वॉल, ये टेक्निक का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है अनलेस आपको स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या बैक में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो उन केसेस में आप ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इसी टेक्निक को बेड पर कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले आप बेड साइड पे जो भी बेड का किनारा होता है उस पर अपनी लेग्स को अलाइन कर लीजिए और आपकी जो बैक है वो गद्दे पर रहेगी तो उससे आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अब ये टेक्निक इतनी सरल है कि इसे सीनियर सिटीजन्स भी कर सकते हैं, इसे प्रेग्नेंट लेडीज़ भी कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि हर कोई इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट एंड विद कंप्लीट सेफ्टी। अब हम सीखेंगे विपरीत करनी के लिए दूसरी टेक्निक जो है लेग अप द चेयर, यानी विपरीत करनी करेंगे हम चेयर के सहारे से। ये टेक्निक खासकर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिसे हिप पेन या पेल्विक पेन या फिर सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये चेयर वाला वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो चलिए इसे सीखते हैं। इसे करने के लिए आप चेयर की तरफ फेस कर लीजिए और अपने पाम्स के सहारे से लेग्स को चेयर के ऊपर रख देंगे। आपका जो नी फोल्ड है वो सीट के एज के साथ अलाइन हो जाए और उसके बाद आप अपनी बैक को सीधा मैट या फिर डायरेक्टली फ्लोर पे इस तरह प्लेस कर सकते हैं। अब इस पॉस्चर से आप देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। तो जिन भी लेग्स में थकान होना, वेरिकोस वेन्स होना,
सियाटिका, काफ पेन, हैमस्ट्रिंग पेन, इन सारी तरीके की प्रॉब्लम्स से आपको राहत मिल सकती है। इस पॉस्चर को भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं फॉर अबाउट 5 to 10 minutes। अगर आप डायरेक्टली फ्लोर पे लेटने से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो आप अपने नीचे ब्लैंकेट या मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक से रिलीज करते समय अपने पाम का सहारा लीजिए, एल्बोज का सहारा लेते हुए बिल्कुल अपनी टांगों को रिलीज कर लेंगे और चेयर से अपने आप को फ्री कर लेंगे। तो अभी तक हमने सीखी दो टेक्निक्स, लेग अप द वॉल एंड लेग अप द चेयर। ये टेक्निक्स सिंपल भी हैं, इफेक्टिव भी, और इन्हें कोई भी कर सकता है, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। बट अब हम विपरीत करने की एक तीसरी टेक्निक सीखेंगे जो इंटरमीडिएट लेवल है, यानी कुछ ऐसे योगा प्रैक्टिशनर्स जो ऑलरेडी बिगिनर लेवल पॉस्चर्स कर रहे हैं वो इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और लिमिटेशंस हैं, तो इसे सीखने से पहले हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं या फिर अगर आपको बैक पेन या स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल एबनॉर्मैलिटी, फ्रोजन शोल्डर या फिर नेक पेन, ऐसी समस्याएँ हैं, तो प्लीज़ ये टेक्निक टोटली अवॉइड कीजिएगा जो हम अब सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विपरीत करने के इंटरमीडिएट लेवल प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले लाई डाउन ऑन योर बैक, लेग्स टुगेदर, फीट टुगेदर, आर्म्स बिसाइड योर बॉडी। अब पाम्स को फ्लोर पर प्रेस करते हुए लेग्स को लिफ्ट कीजिए। लेग्स को लिफ्ट करते हुए हिप को एलिवेट कीजिए और हाथों की मदद से आप अपने हिप और लोअर बैक को होल्ड करके रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप इस पोजिशन में अपने लेग्स को डल ना रखें। डू नॉट बेंड योर लेग्स और डू नॉट कीप देम डल। लेग मसल्स को एंगेज रखें और टोज को पॉइंट करके रखें। अपनी आईज को बिग टोज की तरफ केंद्रित रखिए। इस पोजीशन में आप 30 seconds to 1 minute रह सकते हैं। मेक श्योर कि आपके शोल्डर्स और नेक बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। देर शुड बी नो अनड्यू प्रेशर ऑन योर नेक और शोल्डर। जब आप पॉस्चर को रिलीज करना चाहें तो अपने हाथों को हिप्स पर स्लाइड करते हुए हिप्स को वेरी स्लोली फ्लोर पर रिलीज कीजिए विदाउट एनी जर्की मूवमेंट। पाम्स को फ्लोर पर प्रेस करते हुए लेग्स को स्ट्रेट और स्टेडी तरीके से नीचे लेकर आ जाइए। इस पोस्चर को रिलीज करने के बाद काउंटर इफेक्ट के लिए पवन मुक्तासन कर सकते हैं। पवन मुक्तासन के लिए हग योर नीज टू योर चेस्ट, रैप योर आर्म्स टूवर्ड्स योर लेग्स एंड जस्ट क्रेडल योर सेल्फ। आप इस तरह से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बहुत जेंटली क्रेडल कर सकते हैं, जिससे आपकी लोअर बैक बिल्कुल रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हो जाएगी। आफ्टर दिस स्ट्रेच योर लेग्स आउट। रिलीज करते हुए टर्न टू वन साइड, मेक अ पिलो ऑफ योर आर्म एंड रेस्ट योर बॉडी ऑन वन साइड। पाम का सपोर्ट लेते हुए कम इन द सीटेड पोजिशन। कितनी सिंपल थी ये तीनों टेक्निक्स जो आपने सीखी। इन तीनों ही टेक्निक्स के बारे में बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने डिटेल में कैप्शन में ऐड कर दिए हैं। साथ ही ये बताना ज़रूरी है कि ये टेक्निक जो है हमारे योगा स्क्रिप्चर्स में बहुत क्लियरली मेंशनड है, और एग्जैक्टली कहाँ मेंशनड है वो भी मैंने कैप्शन में ऐड किया है। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस लाती रहूँगी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।